सेंट्रल अकेडमी आजाद नगर भीलवाड़ा प्रस्तुत करता है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह में से एक डाकी और बच्चे की दोस्ती की कहानी कज़ा की। मेरी बाल स्मृतियों में कज़ा की एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, कज़ा की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कज़ा की जाति का पासी था, बड़ा ही हसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता, शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। कज़ा की डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखकर वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता, कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरह गाकर सुनाता तो कभी कहानियां सुनाता। सभी बच्चे यह कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाते थे। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कज़ा की कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक ही क्षण में कज़ा की का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कज़ा की के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कज़ा की मुझे कंधों पर लिए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूं। बाबू साहब आ गए कज़ा की। जी बाबू साहब। वापसी की डाक तैयार है, जाना तो लेते जाना। जी बाबू साहब। अरे थोड़ा पसीना पोंछ ले, आराम कर ले। साहब डाक का काम है, वक्त तो होना ही चाहिए, आप ही का हुक्म है। हाँ भाई, वक्त की पाबंदी तो चाहिए इस नौकरी में। पता नहीं किस चिट्ठी में क्या लिखाओ, लोगों को उनकी डाक मिले, उनका काम बन जाए, यही हमारी ड्यूटी है और जिम्मेदारी भी। अच्छा तू थोड़ा आराम कर ले, थका होगा। जी बाबू साहब। इतनी देर हो गई कज़ा की, अब तक डाक का थैला लेकर नहीं आया, अब तो सूरज भी डूबने को है। अरे ये तो कज़ा की आवाज है। कज़ा की। भैया जी मैं तुम्हें मारूंगा। अगर मुझे मारोगे तो जो चीज मैं तुम्हारे वास्ते लाया हूँ ना वो नहीं दूंगा, इतना समझ लो। जाओ जाओ मत देना, आज से मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं लूंगा। अगर एक बार दिखा दूं तो दौड़ कर गोद में उठा लोगे। अच्छा दिखा तो दो। पहले तुम झट से मेरे कंधे पर बैठ जाओ ताकि मैं भाग चलूं और यह थैला बाबूजी के हवाले कर दूं। वैसे भी बहुत देर हो गई है भैया जी, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। नहीं मुझे दिखाओ। अरे बबुआ तुम्हें भी सब्र नहीं है। क्या है इसमें, ध्यान से देखो और तुम ही पहचानो क्या है। कज़ा की ये तो हिल रहा है।
ये तुम्हें कहाँ से मिला कजाकी? भैया जी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत से हिरण हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि मुझे हिरण का कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दे दूँ। आज मुझे यह बच्चा हिरणों के झुंड के साथ दिखाई दिया तो मैं झुकी और दौड़ा। तब सभी मुझे देखकर दौड़ने लगे। यह भी भागा पर पीछे रह गया। सभी हिरण दूर निकल गए। तब मैं इसे पकड़कर यहाँ ले आया, ना यह झुंड से बिछड़कर मर जाता। इसीलिए इतनी देर हो गई भैया जी। कजाकी ये कितना प्यारा सा और छोटा सा है। अब तुम इसे अपने घर पे रखना। मुझे यह थैला बाबूजी के हवाले करना है, वैसे भी बहुत देर हो गई है। तुम यहीं रुको, मैं थैला बाबूजी के हवाले करके आता हूँ। कजाकी, इतनी देर कहाँ करती? कहाँ मर गया था? ये डाक का थैला लेकर अब आया है? अरे तेरा इंतजार करते करते डाक चली गई, अब इसका क्या करूं? लगता है अब तुझे शायद नौकरी करनी ही नहीं। हमारा आदमी ना पेट भर गया तो मोटा हो गया, जब भूखो मरने लगेगा तब आंखें खुलेगी। ये थैला अपनी जगह पर रख दे और अपनी राह ले। जंगली अब डाक लेकर आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहाँ चाहे मजदूरी कर लेगा, माथे तो मेरी आएगी, जिम्मेदारी तो मेरी होगी। कान पकड़ता हूँ बाबू साहब, आइंदा कभी देरी नहीं होगी। आज देरी क्यों हुई, पहले इसका जवाब दे। लगता है तेरे पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आज से तेरी नौकरी खत्म। बाबू साहब, थैला अपनी जगह पे रख दे और दफा हो जाए यहाँ से, जंगली नहीं। बाबू साहब, बाबू साहब। कंधे पर बिठाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली तो क्या हुआ, क्या इतना भी नहीं करने देंगे? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा भैया जी, कहीं नहीं। अम्मा जी से कहना कजाकी जाता है, कहा सुना माफ करें। सब छीन लिया, इसकी चपरास भी छीन ली। ये तो तेरे बाबूजी ने ठीक नहीं किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता था, फिर उसे काम से क्यों निकाल दिया? बस उसे वापस आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। अरे अरे, अरे ये क्या है? माँ, ये हिरण का बच्चा है, कजाकी मेरे वास्ते लाया था।
माँ ये इतना तेज भागता है कि और कोई दूसरा होता तो इसे पकड़ ही ना सकता, पर वो तो कजाकी 5 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर मिला। इसे पकड़ने में ही कजाकी को देर हो गई थी और बापूजी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, उसका जापा वल्लम सब छीन लिया और चपरास भी ले ली। अरे ये है कहाँ कजाकी, जरा उसे बुला ला। बाहर खड़ा है, कहता है मम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करा देना। अरे कजाकी कजाकी, एक तो बेचारे की नौकरी छीन ली, भूखा मर जाएगा बेचारा। नमक दाल घी कैसे ले जाऊं, अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देंगी, एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है। पैसे इनसे तुम्हारे काम हो जाएगा ना? भैया तुम ये पैसे कहाँ से लाए? ये मेरे ही पैसे हैं। ये पैसे तो तुम्हारे ही हैं, पर अम्मा जी को पता चलेगा तो वो तुम्हें डांटेंगी, मारेंगी और कहेंगी कजाकी ने फुसला कर मंगवा लिए होंगे। अरे ये मेरे अपने पैसे हैं, रख लो, अम्मा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, मैं मेरी कसम। भैया तुम इन पैसों से मिठाई ले लेना, मैं भूखो नहीं मरता, मेरे दो हाथ हैं, मैं भला भूखो कैसे मर सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं भूखो नहीं मरता, तुम इन पैसों को अपने पास रखो, चलो हम घर चलते हैं। भैया तुम अंदर जाओ, अम्मा जी तुम्हारी बाढ़ देख रही होगी। अब चोरी करना सीखता है, बता किसको देना गया था आटा, बता नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। किसी को तो नहीं दिया। तूने आटा किसी को नहीं दिया तो देख आंगन में कितना सारा आटा बिखरा पड़ा है। अम्मा जी यहाँ टोकरी में ही तो रखा हुआ है आटा, भैया जी लाए थे हमारे वास्ते, उनको लग रहा था हम भूखों मर रहे हैं तो दया भाव दिखाने के लिए ले आए, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है, हमारी गरीबी का है। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे कजाकी न जाने कहाँ चला गया, पता नहीं घर में कुछ खाने को भी होगा या नहीं,
कुछ रुपए लाई थी कि उसको दे दूंगी, आटा तो लेता नहीं, बड़ा ही संकोची है। माँ कहो तो कुछ दूर देखा। अब तुम कहाँ अंधेरे में ढूंढने जाओगे बेटा? भैया जी बहू जी कहाँ है? तुम कौन हो, क्या बेचती हो? मैं बेचती कुछ नहीं हूँ भैया, तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? कमल गट्टे कहाँ से लाई हो, जरा देखिए। तुम्हारे हरकारे भैया ने भेजे हैं। कजाकी ने भेजे? कहाँ है वो, दिखाई क्यों नहीं देता? अरे कजाकी की घरवाली हो, उसकी दुल्हन। हाँ हाँ जीती रहो। कजाकी क्या करता है आजकल? बहुत बीमार है, करवट बदल बदल के भैया जी को याद करते हैं। दिन में अचानक भैया भैया करके पुकारा कर रहे हैं। बीमारी से बहुत कमजोर हो गए हैं, फिर भी सवेरे सवेरे तालाब में उतर गए। ये कमल गट्टे तोड़ लाए, बोले भैया जी को बहुत पसंद है, दे आओ। और ये भी पूछवाया है कि सब कुशल मंगल तो है? में सब कुशल मंगल है। और ये भी कह देना कि मैंने बुलवाया है, आज नहीं आए तो कभी न बोलेंगे। हाँ और हाँ ये भी कह देना कि साहब ने तुम्हें बहाल कर दिया है, फॉरेन ड्यूटी पर पहुँचे, वरना दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। आपने अच्छा किया, यही उसके बीमारी की दवा थी, वह गरीब है मजबूर नहीं। कजाकी तुम बीमारी से इतने कमजोर हो गए हो कि मुझे उठा ही नहीं सकते हो। अरे कजाकी आओ, तुम्हें बहाल कर दिए गए, आइंदा कभी देरी मत करना, जीते रहो। कजाकी तो मुझे मिल गया, परंतु मुन्नू कुत्तों के हाथ जान गवा बैठा। मेरे भाग्य में शायद दोनों का सुख भोगना न लिखा था। Hey.